The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. चलिए बात करते हैं plantar fasciitis के बारे में. जी हाँ, plantar fasciitis आपके पैरों के नीचे, बिल्कुल नीचे पैरों के एक पूरा लंबा सफ़ेद सफ़ेद कलर का फाइब्रस बैंड है. फाइब्रस बैंड है जो बिल्कुल यहाँ से, जो पैरों के जो टोज हैं, टोज के ले से यहाँ से लेके ऐसे खींच के ऐसा ऊपर ले जाता है, समथिंग लाइक दिस. सो उसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया. फेशिया मतलब एक फाइब्रस टिश्यू है, एक कपड़ा टाइप है, पर्दा टाइप है, एक बड़ा फर्म सा, उसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया, थिक बैंड ऑफ टिश्यू. अब ये अगर टिश्यू जो है, मान लीजिए इस पर चोट लग जाए, या इसके ऊपर इंजरी हो जाए, या मान लीजिए इसके नीचे कोई बोन स्पर है, और या सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है तो इंजरी हो सकता है. सो इसको फिर जो हो जाता है उसको बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस. प्लांटर फेशियाइटिस ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. अगर आप बहुत आपको फुट आर्च प्रॉब्लम है, मान लो फुट में एक आर्च होती है, आपकी फुट देखोगे ना तो वो यहाँ से ऐसी ऊपर से थोड़ी सी ऐसी, नीचे अंदर से ऐसी टेढ़ी है, ऐसी है, मतलब इतनी है थोड़ी सी, तो वो आर्च है. वो आर्च थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. इफ़ इट इज़ नॉट देयर तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके ऐसे फ्लैट फीट है अगर, या हाई आर्च है, बहुत ही हाई है, या फ्लैट है, दोनों में ऐसा हो सकता है कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो. या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, या फिर डाउन हिल नीचे की तरफ बहुत रनिंग करते हैं, अन इवन सर्फेस पे रनिंग करते हैं, तो भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस हैं. अति मोटे हैं, ओबेस हैं, वेट गेन कर लिया है सडनली, तो भी आपके चांसेस हैं. प्लांटर फेशियाइटिस आपके हील पे लग के ना पीछे आता है एकिलीस टेंडन बन के. एकिलीस टेंडन में भी अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, खिंचाव है, तो भी देर कैन बी चांसेस कि वो उसको खींच ले, तो दैट इज़ उधर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस हो. अगेन, बहुत ही गलत तरीके के शूज़ पहनना, इल फिटिंग या गलत सोल्स वाले शूज़ पहनना, हाई आर्च वाले शूज़ पहनना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ में बहुत बार चेंजेस कर रहे हैं तो भी आपके चांसेस, दीज आर जस्ट रिस्क फैक्टर्स. ये दोनों में होता है, मेन फीमेल दोनों में होता है, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये. ऑर्थोपेडिक फुट कंप्लेन में सबसे कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. और इसका कारण हो सकता है हील स्पर, मतलब हील में एक छोटी सी बोन ग्रोथ होती है जो कि फैशिया को दबाती रहती है, और फैशिया जो है सूजता रहता है. और कई बार एक्सरे में होता है, कई बार नहीं भी होता, बिना इसके के भी हो सकता है. याद रखिए, सिम्टम क्या होगा अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस है? मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन एंड स्टिफनेस, पेन एंड स्टिफनेस इन द बॉटम ऑफ योर हील. हील पेन हो जाता है, या तो डल या शार्प पेन हो सकता है, बॉटम में होगा, कभी कभी बर्निंग जलन भी हो सकती है. जलन, दबाव, दर्द, बर्निंग पेन, डल पेन, शार्प पेन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना इन्फ्लामेशन है. कब होगा ज़्यादा? अगर आप मॉर्निंग में जब आप पहली बार खड़े होंगे तब होगा, या फिर कई लंबे समय के लिए खड़े हो गए तब होगा, सीढ़ी चढ़ते समय होगा, इंटेंस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते समय होगा, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग करते समय होगा. अगर ऐसा बढ़ रहा है तो माइट बी प्लांटर फेशियाइटिस. ओके, कभी कभी ये स्लोली स्लोली डेवलप होता है, कभी कभी सडनली आता जाता भी रहता है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन. इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए कोई खास टेस्ट नहीं होता है, इसके लिए डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है. इसके लिए ऑर्थोपेडिशियन आपके बॉटम ऑफ योर फुट के में पहले पेन देखते हैं, वहाँ पेन है क्या, सोल पे पेन है क्या, फीट पे, हाई आर्च पे, कहाँ पे पेन है, उसके हिसाब से डिसाइड करें, ये तो फेशिया पे दर्द हो रहा है, ये तो हील पे दर्द हो रही है, तो बोन है ये, कुछ ये तो फैट ही नहीं है, तुम्हारी तो पूरी पतली होगी स्किन, व्हाटएवर इट इज, दोस माइट बी द रीज़न. सो स्टिफनेस एंड टाइटनेस ऑफ द आर्च कैन बी ऑल्सो सीन विद द पाल्पेशन. और एकिलीस टेंडन का भी स्टिफनेस देखा जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है कोई हील्स पर, यानी बोन में ग्रोथ देखने के लिए. अल्टीमेट ट्रीटमेंट पेन के लिए तो पेन किलर, या आप इब्यूप्रोफेन, पैरासिटामोल और ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, एसिटामिनोफेन टाइप्स चीज़ें पेन के लिए, ज़्यादा हो रहा है तो स्प्रिंट स्प्लिंट का लगाना पड़ता है नाइट में.
आप स्प्लिंट लगाएं ताकि फुट जो है वो स्ट्रेच हो, और वो अच्छी चीज़ होती है फुट स्ट्रेच करने के लिए। नाइट स्प्लिंट लगाएं, जितना हो सके उतना रेस्ट करें, ज़्यादा नहीं चलें, एटलीस्ट 1 वीक 1 हफ्ते के लिए। और जब भी आपको इन्फ्लामेशन है, शूज़ पहने जो नीचे कुशन और सपोर्ट अच्छा दे, अपने डॉक्टर से बात करें, और उसमें लगाना है दर्द वाली जगह पे बर्फ लगानी है आपको। ये आप दिन में 2 बार लगाएं, 10 से 15 मिनट के लिए, डायरेक्टली ना लगाएं, कपड़ा ऊपर रख के लगाएं। दिस कैन बी डन फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज, दिन में पहले पहले 2 दिन 3 दिन तो जरूर करना है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो फिर बूट कास्ट पहना जा सकता है डॉक्टर के कहने पे। कास्ट कास्ट मतलब एक कच्चा प्लास्टर पहन सकते हैं, या फिर जो बेसिकली वो बूट्स जैसे दिखते हैं स्की बूट्स, 3 से 6 हफ्ते तक पहन सकते हैं। फिर उसको आप वो ऐसे होते हैं, वो बैंडेज जैसे होते हैं, उसमें निकाल सकते हो नहाते समय, फिर लगा सकते हो ऐसी चीज़ें, पूरा दिन पहन के घूम। उसके बाद कई बार कुछ कस्टम मेड शूज़ आते हैं, ऑर्थोटिक्स, वो पहन सकते हो। और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगते हैं जो आप हील पे लगा सकते हैं, और कुछ केसेस में अकॉर्डिंग टू मी यू कैन इवन ट्राई टू यूज़ सम स्टीरॉयड क्रीम्स। वो क्रीम्स लगाने से भी अंदर कभी कभी टिश्यूज जो है ढीला हो जाता है, तो फेशाइटिस इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, दैट इज ऑल्सो देयर स्टिफनेस कम हो जाती है। बहुत बहुत रेयरली होता है कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है इसमें, कि भाई इतना ज़्यादा हो गया, बहुत स्टिफ हो गया, चला ही नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है, तो फेशिया को काट के ढीला करना पड़ता है। दीज आर वेरी वेरी रेयर, 99 मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादातर केसेस में ऐसे ठीक हो जाएगा दवाई से या इस चीज़ों से। सो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज इम्प्रूव्स द पेन। ट्रीटमेंट कई, लेकिन जो नॉर्मल नॉन सर्जिकल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कई हफ्ते कई महीने चल सकता है, कभी कभी 2 साल तक चल सकता है, और आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करते रहना पड़ेगा, कारण समझना पड़ेगा। कारण नहीं समझोगे तो ठीक नहीं होगा। मेरा हमेशा का बोलना रहता है, बीमारी की जड़ पे जाओ, बी अ शर्लॉक होम्स फॉर योर ओन डिजीज, सो मेक श्योर टू प्रिवेंट दिस। दिस काइंड ऑफ अ डिजीज इज प्रिवेंटेबल। सो प्रिवेंटेबल के लिए आपके एंकल, आपका एकलीस टेंडन, एंकल के पीछे का टेंडन, आपका काफ मसल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेचिंग आपने करनी है। इसकी स्ट्रेचिंग करते रहेंगे काफ की, और तो आपको प्लांटर फेशाइटिस होने के चांसेस ना हो जाएंगे, 0 बटा लुल। और स्ट्रेचिंग करनी है प्लांटर फेशाइटिस की मॉर्निंग में, बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से उतरने से पहले। इधर ना पैर पैर का वो पकड़ के खींचते हैं ना पैर का, वो भी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बढ़िया चीज़ है वो। और जब भी कोई एक्टिविटी करिए, मॉडरेट एक्टिविटी करिए, बहुत ही हैवी एक्टिविटी ना करें। स्लोली प्रोग्रेस योर एक्टिविटीज लाइक आई ऑलवेज से, इतना करेंगे तो प्रिवेंशन होगा। बाकी डेफिशिएंसी ना होने दे बॉडी में, डिहाइड्रेशन ना होने दे, पानी पीते रहें, बैलेंस न्यूट्रिशन लें। हजारों बार बोला है मैंने, अगर अभी भी नहीं सुनते हो तो भी आपका खुद का किया धरा है। आई मीन प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बटन को लबाइए, ऐसे ही नॉलेज भाई वीडियो देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।